नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक हम यहां से गुजरने वाले ट्रक, बसों व ट्रैक्टरों में मौजूद को खाना, नाश्ता, भोजन जैसी कोई भी तकलीफ हमारे बिचोली हप्सी बाईपास पर नहीं होने देंगे। और हर समय इन मजदूरों के लिए हमारी कम से कम 150 जनों की टीम, जो 3 शिफ्ट में उनकी सेवा का कार्य कर अपना जज्बा बनाए हुए है, यहां से जाने वाले गरीब मजदूरों का ऐसे में कई प्रकार की परेशानियों का सामना हमसे रोज होना आम बात है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो जाना, पंचर हो जाना, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाने पर हमारी टीम के सहयोग से उनकी हमारे द्वारा हर मदद कर दी जाती है। बाईपास पर मजदूरों के लिए रोज भोजन, खिचड़ी, चाय, पानी का प्रबंध 24 घंटे हमारे द्वारा जारी रहता है। वहीं भीषण गर्मी के रहते हमने ठंडी छाछ और ORS पाउडर भी रोज यात्रियों को दिया जाता है, और इनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे के लिए बिस्किट, टॉफियां भी दी जाती हैं। अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी हरारत होने पर दवा गोली का भी वितरण किया जाता है। ये सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। इंदौर शहर में मुझे गिलास नहीं, सॉरी। लोगों की टीम काम कर रही है, और किन किन लोगों का आप भोजन वितरित कर रहे हैं? ये हमारे 150 लोगों की टीम पूरी चल रही है, 3 शिफ्ट में लोगों को बांट रखा हमने 50-50 लोगों को। और ये अपने महाराष्ट्र और जो गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड जा रहे हैं, उनके लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं 24 घंटे। क्या क्या खाने में खिला रहे हैं आप, उसके क्या सुविधा है आपके पास? सुविधा के नाम पे हमारे पास लोगों को खिचड़ी दे रहे हैं हम 24 घंटे, चाय दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध है, बिस्किट है, और जैसे कोई बीमार उमार हो जाता है आपने तो उनके लिए ORS का पैकेट है, दवा गोली है, ये सुविधा दे रहे हैं। और ट्रक ड्राइवर जो आ रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, इनकी कहीं व्यवस्था है नहीं, तो वो लोग भी नहीं भोजन प्रसादी पूरी तरह पा रहे हैं। कितने लोगों की टीम काम कर रही है आपकी? ये 150 लोगों की टीम है। कितने शिफ्ट में काम कर रहा है? 3 शिफ्ट में लगे हुए 50-50 लोगों की टीम है। क्या लगता है आपको आने वाले समय के अंदर किस तरीके का आपका वो रहेगा सेवा भक्ति का कार्यक्रम? हमारा तो ये है कि लोग उधर जब तक आते रहेंगे हम यहाँ सेवा करते रहेंगे। आपका नाम? रामेश्वर गुड्डा पटेल। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।